बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद नबीद अहमद। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल दायरे का पत्थर। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 थ्योरम्स वाला करेंगे, 9.1 पार्ट 1 करेंगे, ठीक है जी। इससे पहले कुछ डेफिनेशन है वो करेंगे, जिन बच्चों ने डेफिनेशन नहीं करनी वो वीडियो को आगे करके जहाँ से थ्योरम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने करनी है वो पहले हम करते हैं डेफिनेशंस, ठीक है जी। डेफिनेशन सबसे पहले है, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन विच इज़ ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्राम सम फिक्स्ड पॉइंट ओ। यानी कि हमारे पास जो सर्कल है ना, इज़ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी। ये लोकस किसे कहते हैं कि एक ख़ास पाथ जो एक ख़ास रूल के तहत हम तय करते हैं। अब यहाँ पर रूल क्या है कि पॉइंट पी जो हमारे पास है ना, एक रूल के साथ। अब रूल्स का ये है कि एक नुक्ता फिक्स नुक्ता है, पॉइंट है हमारे पास ओ, उससे मसावी फासले के साथ ये जो है ना हमारा ये सब ये पाथ ये है ना ट्रैवल करता है, ठीक है जी। तो इस रूल को क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है जी। आर सर्कल इज़ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस। यानी कि जो पी हमारे पास जो ये मूव करता है ना, ये एक ख़ास नुक्ता के जो कि हमारे पास ओ है उससे मसावी फासले पर होगा। आप ये इस जो पी ने ये पाथ ट्रैवल किया है, मतलब कि सफ़र किया है, इस पर आप जहाँ मर्जी पॉइंट ले लें उसका जो फासला होगा वो ओ से मसावी होगा। तो इससे हमारे पास हमें क्या हासिल होगा जी, सर्कल। अब सर्कल में जो हमारे पास ओ है, ठीक है, ओ द फिक्स पॉइंट ओ नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, इन सर्कल पे नहीं, ये सर्कल से हटकर अंदर जो पॉइंट हमारे पास ओ है, ये इसे इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब ओ टी या ओ क्यू ये हमारे पास रिदास है, इसका रेडियस, ठीक है जी, रेडियस कहते हैं इसे। और जो हमारे पास ये पी है, ये जो सफ़र तय करता है, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है जी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर देखें, 2πr इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमारे पास इरेशनल नंबर पाई है, बीइंग द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए गिवन सर्कल। यानी कि जो हमारे पास ये जो दी गई है पाई, ये क्या है, ये रेशो है। यानी कि पाई रेशो है किसका, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का, ठीक है जी। अगर यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगी, पाई डी। वो कैसे, डी को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। तो हम जानते हैं क्योंकि डी इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, जो हमारे पास डी होता है वो आर का डबल होता है, ठीक है जी। तो डी की वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो डी हमारे पास क्या आएगा, टू आर है, यहाँ पर पुट कर दें, सॉरी टू आर है, ठीक है जी, टू आर। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बनेगा, टू पाई आर, ठीक है जी। तो सी इज़ इक्वल टू टू पाई आर, ये फार्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। अब आर, अब डेफिनेशन आर की है, आर किसे कहते हैं, रेडियल जो सेगमेंट है ना जी, रेडियल सेगमेंट वो ये चीज़ है ओ टी। ये सफ़र हमारे पास जो है ना, ये जो डिस्टेंस है इसे रेडियस कहते हैं, और इस की तय खत को रेडियल सेगमेंट, ठीक है जी, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियल सेगमेंट, सॉरी ओ टी, ये वाला। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं जी आर्क, आर्क ए सी बी ऑफ ए सर्कल इज़ ए सी बी ऑफ ए सर्कल इज़ एनी पोर्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। हमारे पास जो आर्क है वो सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, पार्ट, जैसे कि यहाँ पर ए सी बी, ये पूरा सर्कमफेरेंस है ना,
इसका ए सी भी एक पार्ट है ना, इसे हम आर्क कहते हैं। आप अगर यहाँ पर ए पी ले लें, ये भी एक पार्ट है, ये भी आर्क है। अगर आप पी डी ले लें, ये भी एक पार्ट है, इसे भी हम क्या कहेंगे, ये भी आर्क है। अगर आप डी क्यू ले लें, ये भी आर्क है। अगर आप डी और ये यहाँ से ए तक ले लें, ये भी एक आर्क है। बस जो हमारे पास, हम ऐसे नहीं ले सकते कि पी से पी तक, ये तो खुद सरकमफेरस बन जाएगा, ये पार्ट तो नहीं होगा। तो इस कोई भी मुहित से छोटा को, क्योंकि पार्ट जो है ना, वो जो पार्ट है वो टोटल से छोटा ही होता है, और पार्ट जो है ना, पार्ट ये हमारे पास आर्क होता है। मुहित का कोई भी पार्ट, पी डी ले लें, डी क्यू ले लें, क्यू बी ले लें, या बी ए ले लें, ये पार्ट है, इसे हम आर्क कहते हैं। ठीक है, पोर्शन ऑफ ए सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क, एनी पोर्शन, एनी पार्ट। अकॉर्ड, अकॉर्ड क्या है जी, ए के बी, हमारे पास ए और यहाँ पर आप के ले लें, ये के, ए के बी, ये हमारे पास कॉर्ड है। ठीक है जी, यानी कि सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। अकॉर्ड ए के बी ऑफ ए सर्कल इज़ आ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी ऑन द सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कमफेरेंस पर आप दो पॉइंट ले लें, यहाँ पर ए बी लिया है, उनको मिला दें, इस मिलाने वाली लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है जी, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। अब यहाँ पर पी क्यू है, ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है जी, और जब ये लाइन सेगमेंट, जब ये लाइन से मतलब के लाइन सेगमेंट कह लें, कॉर्ड कह लें, जब ये कॉर्ड जो है सेंटर से गुजरेगा, तो ये डायमीटर भी बन जाएगा और कॉर्ड भी। अब सेगमेंट क्या है जी, सेगमेंट इज़ द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड, अब डेफिनेशन है सेगमेंट की, सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, नंबर एक आर्क, नंबर दो कॉर्ड। आर्क आपके पास ये है और कॉर्ड ये है, इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है, ये जो बाउंडेड एरिया, आर्क और कॉर्ड का बाउंडेड एरिया जो है, ये सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम गौर करें तो ये आर्क, सॉरी ये कॉर्ड और ये आर्क, ये भी तो बाउंडेड एरिया है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, सेगमेंट है। लेकिन ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट होगा। इसी तरीके से हम सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर सेक्टर अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू रेडियाई, रेडियाई का, रेडियाई जो है ना, रेडियस की प्लूरल फॉर्म है। ठीक है जी, तो यानी कि ये दो रेडियस की बात हो रही है, एक रेडियस ओ है और एक ओ बी। तो अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू रेडियाई। ठीक है जी, एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। अब ये टू रेडियाई कौन से हमारे पास, ओ ए और ओ बी, और इनकी मुतालका, ठीक है जी, जो हमारे पास आर्क है ए बी, ए आई बी, ये हमारे पास सेक्टर है। इसे हम, इससे दो टू रेडियाई एंड वन आर्क, ठीक है, जो उससे बाउंडेड एरिया होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सेक्टर है। अब सेक्टर भी अगर हम गौर करें, ये भी दो हैं। अब देखें, रेडियाई हमारे पास ये है और आर्क हमारे पास ये है, एक सेक्टर ये है और दूसरा रेडियाई हमारे पास ये है और आर्क हमारे पास ये लार्ज, ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास सेक्टर है। लेकिन ये है माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर, ठीक है जी। आर्क अगर स्मॉल होगी तो माइनर सेक्टर बनेगा, आर्क अगर लार्ज होगी, बड़ी होगी, तो ये मेजर। तो ये डेफिनेशन है। अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम हमारे पास है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री पॉइंट, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो कहते हैं थ्री, तीन हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, ए बी सी। नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं, देखें, ये हमारे पास पॉइंट है एक, दो और ये तीन। अगर ये तीनों जो है ना एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हों, तो ये होंगे कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर।
और अगर पॉइंट हमारे पास एक लाइन में एग्जिस्ट ना करते हों, जैसे कि ये पॉइंट है, अब ये एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते, अगर हम लाइन ऐसे खींचें फिर भी ये पॉइंट रह जाएगा, अगर हम ऐसे लें फिर ये पॉइंट रह जाएगा, अगर हम ऐसे लें तो फिर ये पॉइंट रह जाएगा। कहने का मतलब ये है नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर ऐसे जो एक लाइन पर ना हो, ठीक है जी, वाकई ना हो, ठीक है जी, एग्जिस्ट ना करें, तो ये हमारे पास नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन है। तो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है जी। अब हमारे पास, हमने ये प्रूव करना है कि उन नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी कि ए बी और सी से एक और सिर्फ एक ही जो हमारे पास सर्कल है वो पास हो सकता है, हमने ये प्रूव करना है, ये याद रहे, ठीक है जी। अब गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है ए बी और सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो हमारे पास गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो आप लिख लें, गिवन है कि हमारे पास ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमने जो प्रूव करना है, वो प्रूव क्या करना है, वही प्रूव करना जो लिखा हुआ है कि वन, ये मैं लिखकर वापसी आता हूँ, ठीक है जी। अब जो हमने टू प्रूव में जो हमने लिखना है वो ये लिखना है कि हमने प्रूव ये करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, यानी कि इस ए बी और सी से एक और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है जी। याद रहे, आपने डायग्राम एग्ज़ाम में ज़रूर बनानी होगी, अगर आप पूरा थ्योरम लिख कर आ जाएँ, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट लिख कर आ जाएँ और आपकी डायग्राम बनी हुई ना हो तो आपको नंबर चाकर बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है जी। इसलिए डायग्राम साथ के साथ बनाएंगे ताकि हमें समझ आ जाए। अब हमने तीन पॉइंट्स लिए, सबसे पहला काम, तीन पॉइंट्स लेने के बाद आपने ये सर्कल बनाना है बाद में, ये तो पहले मैंने ताकि पॉइंट जो है ना हमें आगे पीछे ना हो जाए इसलिए बना दिए समझाने के लिए। तो ए बी और सी, ये आपने पॉइंट ए और बी सी ले लिए। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्ट में क्या करना है, ए को मिलाना है बी से, बी को सी से, आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी आएगा और बी सी आएगा, उसका हम राइट बाई सेक्टर लेंगे, बी सी का राइट बाई सेक्टर लेंगे, ये डी एफ और ये एच के, और वह दोनों जो है ना एक पॉइंट पर मिलेंगे, जैसा कि ये दिखा देते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है जी। ए बी का राइट बाई सेक्टर, बी सी का राइट बाई सेक्टर, ये पॉइंट ओ पर मिलेंगे, ठीक है जी, क्योंकि पॉइंट ओ जो है ए बी के राइट बाई सेक्टर पर मौजूद है। तो हमारे पास, हमने नाइन्थ क्लास में थ्योरम पढ़ा था कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट का राइट बाई सेक्टर हो उस पर कोई भी अगर पॉइंट हो तो वो पॉइंट लाइन बाई सेक्टर के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है जी, मतलब बराबर फासले पर होगा। और इसी तरह बी सी का आप राइट बाई सेक्टर पर जो पॉइंट ओ है, इसका जो डिस्टेंस है वो बी से और सी से इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर होगा, ठीक है जी। तो हम जब ओ ए ओ बी और ओ सी के फासले को बराबर साबित कर देंगे तो ओ सिर्फ वाहिद एक ही पॉइंट होगा, ठीक है, कि जहाँ पर ए बी का राइट बाई सेक्टर और बी सी का राइट बाई सेक्टर यानी डी एफ और एच के कट करेंगे, वो एक ही पॉइंट है ओ, ठीक है। अब आप इस ओ को मरकज़ मानकर ओ ए का लेंथ का अगर आप दायरा लगाएं तो लाजमी बात है वो बी से भी क्रॉस होगा और वो सी से भी क्रॉस होगा, ठीक है जी, ये आपने अमल करना है। अब ये अमल हम करते हैं, देखें कंस्ट्रक्ट में क्या आएगा,
ए को मिलाना बी से, बी को मिलाना सी से, फिर ए बी का राइट बाई सेक्टर, बी सी का राइट बाई सेक्टर। तो ये सारा काम मैं करके आता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए जी, मैं वापस आ गया हूँ अमल करके ना, कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन ए विद बी, ए को बी से मिलाया एंड बी विद सी, बी को सी से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद ड्रा डी एफ, डी एफ ड्रा किया राइट बाई सेक्टर टू ए बी, ड्रा डी एफ राइट बाई सेक्टर टू ए बी, ठीक है जी। उसके बाद एंड ड्रा एच के राइट बाई सेक्टर टू द बी सी, यानी कि ए बी पर डी एफ अमूदी नासिफ राइट बाई सेक्टर ड्रा किया और बी सी पर एच के अमूदी नासिफ बाई सेक्टर ड्रा किया, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों जो है ना, एच के और डी एफ, ये दोनों हमारे पास नॉट पैरेलल हैं, ठीक है जी, नॉट पैरेलल। जब तो हमारे पास नॉट पैरेलल, जो हमारे पास राइट बाई सेक्टर हों, वो लाजमी राइट बाई सेक्टर कह लें या रेज कह लें, ये हमारे पास रेज है, ये रेज है। तो हमारे पास यहाँ पर ये रे डी एफ ए बी का बाई सेक्टर है और रे एच के बी सी का राइट बाई सेक्टर है। तो ये दोनों जो है ना एट पॉइंट सी पर कट कर रही हैं, मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पॉइंट ओ को ए से, ओ को बी से, ओ को सी से मिलाना है। मिलाएं जी, पॉइंट ओ को मिला दिया आप ए से, और ओ को मिला दें बी से, और ओ को मिला दें सी से। ये मैंने ओ पॉइंट ओ को ए से, पॉइंट ओ को बी से और पॉइंट ओ को सी से मिलाया, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दें ज्वाइन, किसे ज्वाइन करना है कि ओ को ओ विद ए बी एंड सी, इन तीनों से आपने ज्वाइन कर देना, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए हम इसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक नाइन्थ वाले थ्योरम को जो हमने पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट का जो राइट बाई सेक्टर होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी आप पॉइंट ले लें, तो उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। कैसे, कि जैसे हमारे पास ए बी है, इसका हमारे पास राइट बाई सेक्टर डी एफ है, इस पर पॉइंट ओ है। अब ओ का जो डिस्टेंस है वो ए से और बी से, अब ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है और ये हमारे पास बाई सेक्टर है और इस पर एक पॉइंट ओ है। ओ का फासला, ओ का डिस्टेंट हमारे पास ए से और बी से इक्वल होगा, ठीक है जी। और यही चीज़ हमने यहाँ देखनी है कि बी सी का राइट बाई सेक्टर एच के है और एच के पर जो पॉइंट ओ है इसका जो फासला है, डिस्टेंस है, वो बी से और सी से इक्वल होगा। यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि एवरी पॉइंट डी एफ, ठीक है जी, ऑन डी एफ, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये, क्योंकि हमारे पास जो डी एफ है ये ए बी का राइट बाई सेक्टर है, तो डी एफ पर जो भी पॉइंट होगा वह ए बी से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो अब हमारे पास जो ओ है, पॉइंट ओ, ये डी एफ पर है, तो ओ का फासला ए से और बी से इक्वल होगा। इसका मतलब है, इसकी रीज़न क्या है जी, रीज़न ये है क्योंकि डी एफ हमारे पास, जो डी एफ है हमारे पास ये है राइट बाई सेक्टर, राइट बाई सेक्टर है, ठीक है,
टू द ए बी, जब ये टू द ए बी राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए और ओ बी क्या होगा? इक्वल है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आपने बी सी की बात करनी है कि बी सी हमारे पर लाइन सेगमेंट है, उसका राइट बाई सेक्टर एच के है, एच के पर जो पॉइंट ओ है उसका जो डिस्टेंस है बी से और सी से इक्वल होगा। तो पहले आप यहाँ लिखेंगे सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्विडिस्टेंस, ठीक है जी, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम बी एंड सी, बी एंड सी यानी कि जो एच के है, अब बी सी का राइट बाई सेक्टर एच के है, एच के पर पॉइंट ओ जो है इसका जो डिस्टेंस है वो बी से और सी से इक्वल होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि एच के जो हमारे पास है ये है राइट बाई सेक्टर बाइसेक्टर टू बी सी, ठीक है जी। ये हमने कहाँ से लिया? ये भी कंस्ट्रक्शन से लिया जी। आप यहाँ लिख भी दें ताकि चेकर को चेक करने में आसानी हो। चेकर को आपने बताना होता है कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे समझे वो छोटा बच्चा है, उसे हर चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये चीज़ हमने ऐसे किया और ये चीज़ ऐसे, वो नंबर भी काट सकता है इस चीज़ के, ठीक है। अब उसके बाद देखें जी, इससे क्या साबित हुआ कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो आप यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो ओ बी और ओ सी है, इससे पहले हमने ओ ए और ओ बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर ओ सी के, और इसके इसके मतलब क्या होगा कि ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर ओ सी के। इन तीनों का हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो डी एफ है और एच के है, ये ओ के अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये कट करें। तो हम ये पर यहाँ क्या लिखेंगे, नो नो ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के, ठीक है जी, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्या जी, जो पॉइंट डी एफ और एच के का कॉमन है वो पॉइंट, वो इक्विडिस्टेंस है, डिस्टेंट है किससे, ए से, ए से, बी से और सी से। यहाँ लिख दें फ्रॉम ए बी एंड सी। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं जी, ये कुछ कैमरे का ना सेटिंग कर लें, ठीक है। उसके बाद जी, उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ओ है ए बी सी से फासले पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट
ओ ए इज इक्वल टू मेयरमेंट, ओ बी इज इक्वल टू मेयरमेंट ओ सी। ठीक है जी, ये किससे आपने इसे जो है ना इक्वेशन नंबर वन का नाम देना है और इसे इक्वेशन नंबर टू का नाम देना है। ठीक है, और यहाँ पर कह दें यूजिंग वन एंड टू। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपने लिखना है कि कोई ओ के अलावा कोई पॉइंट जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसका डिस्टेंस ए से बी से और सी से इक्वल हो। आप ये लिख दें, क्योंकि हमने ये साबित किया है कि ओ का डिस्टेंस जो है ना ए बी से इक्वल है, तो ये पे लिखेंगे हाउ एवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट ओ, यानी कि ओ के अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसका फासला इन तीनों से इक्वल हो। तो इसका यानी कि कोई भी पॉइंट हमारे पास यानी कि मेयरमेंट ओ ए ओ बी और ओ सी ये हमारे पास इक्वल है, इसके अलावा कोई पॉइंट और नहीं है कि जिसका फासला इक्वल हो। तो इससे ये साबित हुआ कि हिंस अगर हम ओ को इस ओ को सेंटर मानकर लेंथ ए ओ ए का एक सर्कल लगाएं तो पॉइंट ए बी और सी से क्रॉस होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हिंस अ सर्कल इज नो अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर ओ एंड यानी कि सेंटर ओ को आपने ओ को ना आपने सेंटर मानना है और रेडियस ओ ए रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। ठीक है जी, कि अगर आप ओ को सेंटर मानकर रेडियस ओ को सेंटर मानकर रेडियस ओ ए का सर्कल लगाएं तो वो सर्कल जो है ना बी से भी क्रॉस होगा और सी से भी क्रॉस होगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिंस प्रूव क्या प्रूव हुआ कि देयर इज ओनली वन सर्कल विच पास विच पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर जो कि दिए गए हैं, आप गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। इसके रिवीजन कर लेते हैं एक मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें सबसे पहले आपने जो मालूम करना है वो आपके पास क्या है जी, जो गिवन है वो आपके पास तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी। जो आपने मालूम करना है वो ये है कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही दायरा एक ही सर्कल पास होगा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ए को बी से बी को सी से मिला देना है। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद ड्रा करेंगे डी एफ बाई राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड एच के राइट बाई सेक्टर ऑफ बी सी।
ये दोनों जो है ना डी एफ और एच के पॉइंट ओ पर कट करेंगे और पॉइंट ओ को ए से, पॉइंट ओ को बी से, पॉइंट ओ को सी से मिला देंगे। उसके बाद क्योंकि ये दोनों जो है ना डी एफ और एच के ये हमारे पास है नॉन पैरेलल, यानी पैरेलल नहीं है, जो रेज या लाइंस पैरेलल ना हो वो कहीं ना कहीं कट करती हैं, और जिन्होंने ओ पर कट किया, ठीक है। फिर हम इस ओ को ए बी और सी से मिला देंगे। अब जो हमने प्रूव करना है वो हमारे पास ये है कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम ए टू बी, क्योंकि हमारे पास जो डी एफ है ये है राइट बाइसेक्टर किसका, ए बी का, तो इसलिए डी एफ पर जो भी पॉइंट होगा जहाँ भी आप ले लें उसका जो फासला होगा ना वो ए बी से इक्वल होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर की है कि ओ का फासला ए से, ओ का फासला बी से इक्वल है, और यही काम हम यहाँ करेंगे कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसका जो राइट बाइसेक्टर एच के है उस पर जो आप पॉइंट ओ ले लें, ठीक है, पॉइंट ओ का जो फासला है वो बी से और सी से इक्वल होगा, बी से और सी से क्या होगा, इक्वल। तो यही काम अब देखें, क्योंकि ओ का जो फासला है ना वो बी से, ए से, बी से और सी से इक्वल आ गया, तो इसके अलावा कोई और पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जिसका जो फासला है ना वो इक्वल हो किस से, ए बी और सी से। तो हम क्या लिखेंगे, नो ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम ए बी एंड सी। अब इस पॉइंट में दो खूबी हैं, नंबर एक ये जो कॉमन है, ये पॉइंट जो ओ है ना ये कॉमन है किसका, एच के का और डी एफ का, ठीक है। नंबर दो, इस पॉइंट का जो फासला है ना वो ए बी सी से इक्वल है, और ये दोनों खूबियाँ जो है ना दायरे के मरकज सेंटर में पाई जाती हैं। वही काम हम आगे करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि ओ इज़ द ओनली पॉइंट है, ठीक है, जो डी और एच, डी एफ और एच के का कॉमन पॉइंट है, और ये इक्वी डिस्टेंस है ए बी सी से, तो हम लिखेंगे ओ का फासला ए से, बी से, सी से इक्वल है। हमने इक्वेशन वन और टू यूज़ किए। अब हाउ एवर देयर इज़ नो सच दैट पॉइंट एक्सेप्ट ओ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता कि जो डी एफ और एच के का कॉमन भी हो, ठीक है, और दूसरी बात उसका जो फासला है ए से, बी से, सी से इक्वल भी हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिंस अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करें सेंटर ओ के साथ, यहाँ पर आपने प्रकार रखनी है, ठीक है जी, फिर ऐसे आपने सेंटर ड्रा करना है। तो लाजमी बात है कि अगर आप ओ को सेंटर मानकर ओ ए रेडियस का, ओ ए लेंथ का या रेडियस कह लें, ओ ए लेंथ का ऐसे सर्कल लगाएंगे तो वो सर्कल बी से भी क्रॉस होगा, सी से भी क्रॉस होगा। तो यही वो तीन पॉइंट हैं जो नॉन कोलिनियर थे, और हमने अब सर्कल लगाया तो तीनों पॉइंट से गुजरा, तो इसका मतलब यही हुआ कि एक ही सर्कल इन तीनों से गुजरेगा, कोई और नहीं गुजर सकता। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अब भी ले लें, ठीक है जी, उसके बाद ये ले लें, उसके बाद आप ये ले लें, ठीक है जी। वैसे ये तकरीबन मैंने बुक में से पढ़ाया, सिर्फ आपको बात समझाने के लिए पेज पर लिखा है, ठीक है जी। बाकी होता ये बुक की तरह, क्योंकि पढ़ा पढ़ा कर हमें बुक याद हो जाती है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। अगर इसके मुतालिक, इसके थ्योरम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, क्लास फेलोज़ को, जैसे आपको फ़ायदा हुआ ताकि उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी एंड स्क्रीन पर जो है ना नेक्स्ट लेक्चर जो थ्योरम नंबर 9.1 पार्ट 2 है वो शो हो रहा होगा, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम।